बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब? मैं उम्मीद करते हो आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बेसन की मिठाई की रेसिपी। चलिए जी झटपट से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी दानेदार मिठाई बनी है और इसका टेक्सचर बहुत बेहतर आया था और टेस्ट तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा था। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कप के करीब बेसन लिया था और वही कप से मैंने आधा कप घी और आधा कप दूध लिया था। घी मैंने घर का मेरा होममेड घी था वही ले लिया था मैंने। आप चाहो तो कोई भी घी इस्तेमाल कर सकते हो। और ये तीनों चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं इसको ग्राइंडर जार में डाल के हल्का से इसे पीस लूँगी ताकि ये दानेदार हो जाए। और दानेदार हो चुका था माशाल्लाह से, आप इसका टेक्सचर देख सकते हो। उसके बाद मैंने एक कढ़ाई में आधा कप के करीब मैंने घी ले लिया था और घी डालने के बाद मैंने इसमें सारा बेसन डाल दिया था। और बेसन की मैं मीडियम आंच पे लगातार भुनाई करूँगी जब तक कि इसका घी बाहर ना आ जाए और इसका कच्चापन ख़त्म ना हो जाए और इसमें से अच्छे से खुशबू ना आने लगे वहाँ तक मैं इसकी भुनाई करूँगी। और मैं इसकी लगातार भुनाई कर रही थी। उसके बाद मैंने एक तरफ चाशनी भी रख दी थी। मैंने 2 कप के करीब पानी और 2 कप के करीब चीनी ले ली थी और 2 इलायची को मैंने ऐसे ही डाल दिया था। अगर आप चाहो तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हो। और इसको उबलने के लिए मैंने छोड़ दिया था। यहाँ पे मैंने बेसन की लगातार भुनाई की थी। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा से दूध डाल दूँगी 1/2 कप के करीब। जब हाफ़ कुक हो गया था ना बेसन तब मैंने दूध डाला था। और दूध डालने के बाद भी मैंने इसे 5 से 7 मिनट तक पका लिया था ताकि इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए और ये अच्छी तरीके से पक जाए। और यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरीके से पका लिया था। और चाशनी में मैं थोड़ा से फूड कलर ऐड करूँगी ताकि इसका कलर और बेहतर आए। अगर आप चाहो तो केसर के धागे भी डाल सकते हो। और चाशनी मुझे 1 तार की बनानी थी तो इसलिए मैंने चाशनी को चेक कर लिया था। माशाल्लाह से 1 तार की चाशनी मेरी बन गई थी। तो मैंने बेसन की भुनाई करते हुए चाशनी भी थोड़ी थोड़ी करके उसमें ऐड कर दी थी। और खोया आप डालना चाहो तो डालिए, नहीं तो उसे स्किप करिए, क्योंकि मेरे पास तो थोड़ा से खोया रखा हुआ था तो मैंने वो भी हाथों से क्रश करके इसमें डाल दिया था। यहाँ पे चाशनी मैंने डाल दी है और चाशनी डालते वक्त मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया था। यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुका था मेरा बेसन पक के और मैंने खोया भी डाल दिया था और ये मिठाई बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। आप चाहो तो प्लेट में बटर पेपर भी लगा सकते हो, पर मैंने थोड़ा से घी लगा लिया था और उसमें सारी मिठाई डाल दी थी और इसको 2 से 3 घंटों के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। आप चाहो तो ऊपर कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हो चॉप करके। मैंने पिस्ते और बादाम डाली थी और 2 से 3 घंटे के बाद मैंने इसको कट लगा लिया था। आप देख सकते हो कितना अच्छे से टेक्सचर आया इसका। और आपको ये मेरी मिठाई की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगती है तो लाइक दीजिए और शेयर भी कीजिए। चलती हूँ जी, अल्लाह हाफिज़।